विगत दिनों चार महिलाओं ने यूथ हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहित नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए थे। मोहित की पत्नी भावना ने सत्तुलाला फूड कोर्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पति पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। वहीं एडीजी से पूरे मामले में जांच की मांग की गई है। कैमरे के सामने दिखने वाली इस महिला का नाम भावना है। भावना जनपद फिरोजाबाद की रहने वाली है। सत्तुलाला रेस्टोरेंट कोठी मीना बाजार पर मौजूद भावना अपने पति और अपने परिवार के साथ आप बीती मीडिया को बता रही थी है। दरअसल मामला ताजनगरी में कुछ दिन पूर्व का है, जहां चार महिलाओं ने आगरा के संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ित महिला भावना के पति मोहित पर गंभीर आरोप लगाए। गबन के आरोपी मोहित की पत्नी भावना का कहना है कि इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है और आत्महत्या के कगार तक पहुंच चुका था। महिलाओं का कहना था कि मोहित नाम के शख्स ने FB के जरिए उच्च परिवार की महिलाओं से दोस्ती की, मानसिक शारीरिक शोषण किया और ब्लैकमेलिंग की। जनपद आगरा के रकाबगंज थाना में पीड़ित महिला की तहरीर पर मोहित के खिलाफ धारा 406 यानी गबन का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये थी चार दिन पूर्व चार महिलाओं द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता की बात। अब आपको बताते हैं कि मंगलवार को मोहित की पत्नी भावना ने क्या कहा। आजकल आप लोगों ने सुना होगा हनी ट्रैप, ये जो मेरा केस है कुछ इसी तरीके से है। ये चार पांच महिलाओं का एक संगठित ग्रोह है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक चलता है। इसमें नीना दास नाम की एक लड़की है, औरत है जिसकी आयु कम से कम लगभग 50 से 55 वर्ष होगी, जो दिल्ली में रहती है। इसने मेरे पति से फ्रेंडशिप पे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों के अच्छे संबंध बने, धीमे धीमे करके इन दोनों की बातें स्टार्ट हुई। बाद में नीना दास ने मेरे पति को ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपए अपने पति के साथ स्टाम्प पे लिखवा कर लिए थे, जो मेरे पास एविडेंस है, जो मेरे पास लिखित में एविडेंस है कि हाँ इनकी जो भी 2.5 लाख लिए हैं इन्होंने लिखा पढ़ी में लिए हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में विवेक बिहार में एक झूठी तहरीर दी, जिसमें इन्होंने मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से इन्होंने परिवार की झूठा आरोप लगाया और मेरे पति को बोला कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी गंदी फोटोज़ हैं, इसके पास मेरी वीडियो है जिसके द्वारा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद जब हमें पता चला कि इन्होंने वहाँ पे एक झूठी तहरीर दी है, हमें बुलाया गया। उसके बाद हम वहाँ पे गए, हमें जब वहाँ जाके पूरी स्टोरी पता चली तो नीना दास का बोलना था कि मेरे इसके पति ने मुझे ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल करने के बाद वो हम लोगों ने मेरे पति ने उसे ब्लैकमेल किया है और उससे पैसा मांगा है। भावना का आरोप है कि उनके पति मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला एक साजिश के तहत रैकेट का संचालन कर रही है। भोले भाले युवाओं को FB मैसेंजर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मोहजाल में फंसाती है, फोटो और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का कार्य शुरू करती है। पीड़िती भावना ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज भी रखे हैं, जहां भावना का आरोप है कि आरोप लगाने वाली चार महिलाओं में से एक महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, जिसका 2.5 लाख रुपए में लिखा पड़ी में समझौता हुआ। उसके बाद एक और शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 7.5 लाख रुपए में लिखा पड़ी में समझौता हुआ। पीड़िता भावना का कहना है कि रकम ऐंठने का यह सिलसिला अभी रुका नहीं, बदस्तूर जारी रहा। चारों महिलाओं में से एक महिला ने फिर SPCT आगरा के यहाँ लिखित शिकायत की, जिसकी जांच और समझौते के एवज में महिला ने लिखा पड़ी में 26.5 लाख रुपए रकम वसूली। पैसे की और मांग पूरी न होने पर भावना के पति मोहित पर रकाबगंज थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया। जब ये मैटर हुए थे तब वो अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी कब हुई है? शादी 2018 में हुई है, ठीक। और जो रिश्का की और इनकी फ्रेंडशिप हुई है वो मेरी शादी से पहले हुई है। मेरे पति बाहर हैं, हाँ। इन दोनों की फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप हुई और इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो भी पूजा शर्मा ने ही करवाई थी। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि पूजा शर्मा, रिश्का विल्दानी, नीना दास, जोशना द्विवेदी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्होंने जो मेरा पैसा ऐठा है वो पैसा मुझे वापस किया जाए। मैं पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि हमें इतना डरा दिया गया था कि लड़कियों का मामला है, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पति को अंदर डाल देंगे, तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समाज में जो एक परिवार की इज्जत होती है उसे बचाने की खातिर हम लोग ये पैसा दे रहे थे। ऐसा पैसा हमने ऐसे ही नहीं दिया उनको, हमने थाने में जाके समझौता किया है। हमारे पास एक एक चेक है, एक एक एविडेंस है, एक एक स्टाम्प है, जिस पर नीना दास के भी सिग्नेचर हैं, रिश्का के भी हैं, जिन्होंने खुद बोला है कि अब हमारा कोई कुछ भी नहीं है, अब हम ना आप मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, जब हमारा और आपका सब कुछ खत्म हो गया
तो आज पूजा शर्मा के साथ क्या कर रही हैं? पीड़ित भावना ने मीडिया के सामने व्हाट्सएप के कुछ चैट भी उजागर किए हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा मोहित को उकसाना और जबरन पैसे की मांग के संबंध में चैटिंग नजर आ रही है। मीडिया के सामने आप बीती और सच्चाई बताने वाली महिला की पत्नी और पीड़िता भावना ने साफ कहा है कि उन्होंने एडीजी जॉन आगरा राजीव कृष्ण से न्याय की गुहार लगाई है। सारे दस्तावेज उन्हें सौंपे जाएंगे, निष्पक्ष जांच के लिए गुहार लगाई जाएगी। इस कहानी में सब गोलमाल है, दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप है। एक तरफ मुकदमा दर्ज है तो दूसरी तरफ आरोपी पर दर्ज मुकदमे की पत्नी ने मीडिया के सामने दस्तावेज सौंप कर खलबली मचा दी है। पर अब देखना होगा कि इस मामले में आगरा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।